जय महाकाल भाई। अरे देखो भाई कितना सुंदर बना रहा है। कई बार ना कुछ चीजों को देख के भाई पुरानी यादें ताजा हो जाती है। क्या है देखो भाई, करते हैं इस ब्लॉग को भी शुरुआत। ये भी एक पार्टी है और मेरे कपड़े हर ब्लॉग में एक क्यों है, क्योंकि एक ही दिन में मैंने बहुत कुछ देख लिया है। तो मेरे कपड़े रह गए थे किसी दूसरे होटल में, मैंने फिर दूसरा होटल लिया था, तो इस वजह से मैं कपड़े चेंज नहीं कर पाया। तो डोंट जज माई क्लॉथ्स। ओके, तो करते इस ब्लॉग की शुरुआत, जिसमें जा रहे हम रामघाट। हमारे होटल जो मैंने होटल लिया था ना, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक। इस पॉइंट से रामघाट, द्वारकाधीश और मेन जो है महाकालेश्वर मंदिर, तीनों इतने ही नजदीक है, 500 मीटर की दूरी पर। तो अभी हम चलते हैं रामघाट और वहाँ कैसा है रामघाट और कौन कौन से मंदिर है वो सब दिखाता हूँ। थोड़ी थकान भी हो रखी है यार। और भाई रूहानी ने ले लिया अपनी भेलपूरी है ना। और भाई रामघाट दिखाता हूँ आपको, ये है पूरा रामघाट। भाई ये बैठे पापा रूहानी के साथ। ठंडे लग रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी में मुंह धो दिया। बेटा शुद्ध पानी है ना ये, इसलिए थोड़े से छींटे हम भी मार लेते आए तो। अच्छी तरह मुंह पे चिपके मार, सात आठ लगातार। ये हो गया भाई सिप्रा नदी में स्नान। रूहानी धक्का दे रही थी। तू धक्का दे रही थी मेरे को, मैं गिर जाता तो। बोट में जाना है। अच्छा वो रही बोट भी है भाई, आ तो वो जा रही बोट। चल चलते हैं, देखते हैं बोट में। ठीक है मैं नहाने भी आएंगे। नहीं नहाएंगे नहीं। अरे नहाने जाएंगे? नहीं नहाने नहीं जाएंगे। रूहानी भी भाई एकदम से, या तो पानी छिटके नहीं लगवा रही थी, एकदम से कह रही है नहाने जाएंगे। इधर देख लो भाई, पापा ने जोत भी लाइटर से लगाई है। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये पापा लाइटर एक बार लो, जोत जला दिया। लो भैया हमारी जोत है भाई। ये है शिप्रा नदी जहाँ पे अभी हम है। बोटिंग करेगा? बोटिंग करनी है। हम आ गए भाई बोटिंग बूथ पे। ये रहा क्रूज किराया भाई, ये रेंट है यहाँ का। करा रहा हूँ भाई, बच्चों की मान लेते हैं और बोटिंग करा देते हैं सबको ना। सारे आ चुके हैं भाई, पूरा तैर रहा है भैया, टेढ़ा भी हो रहा है ध्यान से। और ये है भाई हमारी बोट, ये खड़ी। बैठो बैठो, चार चार की सीट है। चलो भाई हम बैठ गए ध्रुवा के साथ। ओके, ये क्या किया? लाइफ जैकेट पहन के बैठ गया भाई। बोट चल पड़ी है हमारी, कम ही प्रेशर है थोड़ा ना। अगर भाई थाईलैंड वाली स्पीड बोट देखोगे ना, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। और भाई ये सारे घाट है, अच्छी जगह है यार, आना चाहिए। हालांकि मौसम अच्छा है, अदरवाइज गर्मी हो तो बुरा हाल हो जाए। क्या है और इतना सारे पानी? फिर भी अपने आप चल रही है, थ्रस्ट है ना थोड़ा सा, थोड़ी तो चलेगी ना, भाग रही थी इतनी जोर से। लो भाई बोटिंग हो गया ओवर। एक छोटा सा राउंड था बस, वो हो गया कंप्लीट। तीन चार मिनट का राउंड होगा बस, नहीं तीन चार तो नहीं, पाँच छह मिनट का होगा। बहुत मजा आया। हाँ भाई गुड्डू कैसा लगा? बहुत मजा आया ना। मम्मी और कहा गए भाई? जो भी भाग लेते, पता नहीं मेरे को भी थकान होगी पर इनको नहीं हो रही। कहा जाएगा? द्वारकाधीश का मंदिर कह रहा था ना। हाँ द्वारकाधीश का, चलो देखते हैं अगर वो बैरिकेड खुला होगा तो। डिस्कशन भी बहुत चलता है ना भाई, कहाँ जाए कहाँ नहीं। रीजन ये है कि आपने वो देखी होगी ना जो यात्रा निकली थी, उस यात्रा की वजह से ना सारे कहीं भी बैरिकेड लगा रखे हैं, तो हमें पता नहीं आगा इतना। और यहाँ के लोग भी मिसगाइड थोड़ा कर देते हैं, मतलब कोई कुछ कहता है कोई कुछ। अभी राम घाट पे आए थे तब कहते हैं यहाँ का भाई बंद है सारा रास्ता, लेकिन यहाँ खुला था और हम आ भी गए। लेमन सोडा लोगे? ध्रुव हम छोटे थे ना जब इसको बंटा बोलते थे, कंचे की बोतल बोलते थे, या ऊपर कंचा होता था उसको नीचे डालते थे, अब बंटा बोलने लग गया। नहीं ये देखो भाई, दिख रहा है देखो, इसमें कंचा है ना ऊपर, इसलिए इसको कंचे वाली बोतल बोलते थे भाई। हम भाई हमारी मौसी ऐसा ही है, बोला करते ना मौसी की कंचे वाला। हाँ और आपको पता है कितने रुपए की आती थी? ढाई रुपए की। हाँ दो रुपए की तो मुझे भी याद है, ढाई रुपए की ध्यान है मुझे। आपके टाइम में तो और एक रुपए की आती होगी मौसी। बहुत क्रेज था, बहुत शौक था इनका लाने का। और भाई मम्मी ले आई है भाई मछलियों के लिए खाना। आप पी लेना एक मिनट मछली। चलो मछलियों को दाना डालो। कई बार ना कुछ चीजों को देख के भाई पुरानी यादें ताजा हो जाती है। ये लो भाई, ये किसके लिए? रूहानी का। रूहानी बबल में बनावे, देखो कितना बड़ा बबल फोड़ दो उसको। लेमन नहीं माता जी भाई, हमारी मौसी की फरमाइश है, लेमन नहीं लिमका में। ये सेम ही है, उसमें बस एसेंस डाला हुआ है और ये सिंपल है। आप पीछे देखो, आप पहचान जाओ। देखो बबल आ गया मेरे लिए। क्या है
खट्टा है। आपके टाइम पे 2 रुपए में लेके पी के वापस करनी होती थी। हाँ, बोतल पे तो वापस जाती थी। चलो भाई, सब ने एंजॉय कर लिया है। मुझे ताई की याद आ रही है। और भाई कई बार बोल चुके हैं रूहानी को ताई की याद आ रही है। अभी कराते हैं वीडियो कॉल थोड़ी देर में, ठीक है। लो भाई, मम्मी आपको मिल गया व्रत का खाना। बहुत बढ़िया मिल गया, साबुदाने की टिक्की। और ये है भाई साबुदाने की टिक्की। और ये देखो कितनी सारी है। और ये भाई रॉ मटेरियल है, एक पैक। ठीक है भाई, मम्मी को व्रत का खाना नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, लेकिन अब फाइनली मिल गया है। भाई हाटकेश्वर धाम, जहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है और दर्शन आप कर सकते हो, जो कि बिल्कुल राम घाट पर ही है। ये देखो क्या चीज है, ये पार्थिव शिवलिंग। क्या है ये? मुल्तानी मिट्टी से बनाए हैं, पार्थिव शिवलिंग है, वो इनका अभिषेक करा है। तो अभी इनको मतलब भा क्या हो गया, विसर्जन। अरे देखो भाई कितना सुंदर बना रहा है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है ना, इनको सिद्ध करा के और अब इनको भाई विसर्जन करने जा रहे हैं शिप्रा नदी में ही। पूरा मुल्तानी मिट्टी से बना था भाई। ये रोड देख लो, वही रोड है जिसमें मैं सुबह चल रहा था। अभी यात्रा गई है ना, इसलिए इतनी भीड़ है। और ये है भाई द्वारकाधीश मंदिर उज्जैन, है ना, गजब का, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। दरवाजा देखो भाई, सुंदर मंदिर है यार, दर्शन करके ना दिल खुश हो गया। और भाई ये इस मंदिर का इतिहास, इसके बारे में जानने वाली चीजें। सो भाई फाइनली आ गए हैं रूम में, और देखो अब आया भाई लगेज। अभी आप ये सोचो कि भाई कपड़े क्यों नहीं चेंज हो रहे, लगेज अब लेके आया है। और ध्रुव लेके आया है अपने लिए न्यू वॉच, दो दो लिया। हाँ। आराम से आ जाओ, आराम से दिखा दे क्या लेके आई है भाई। रूहानी भी दिखाएगी, पर्स लेके आई है और डोर। चलो भाई, तो इस व्लॉग को करते यही पे एंड, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और आने वाले व्लॉग और भी शानदार होने वाले हैं। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्माइल के साथ।